नमस्कार। मुंबई के लालबाग के राजा पब्लिक गणेश उत्सव मंडल को बीएमसी ने बड़ा झटका दिया है। मुंबई नगर निगम ने जानकारी दी है कि बीएमसी ने जुर्माना लगाया है। गणेश उत्सव के दौरान मंडप बनाने के लिए फुटपाथ पर 53 और सड़क पर 150 गड्ढे खोदे गए थे। बीएमसी ने बताया कि यह जुर्माना उसी के लिए लगाया गया है। आप सभी को बता दें, बीएमसी ने इस साल गणेश उत्सव के दौरान सड़क पर 183 गड्ढे करने के लिए लालबाग के राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल पर 3,66,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 2,000 रुपए प्रति गड्ढे के हिसाब से लगाया गया है। लालबाग के राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल पर गणेश उत्सव 2022 के दौरान सड़कों पर गड्ढे खोदने पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं आप सभी को बता दें, गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में गणेश उत्सव मंडल हर साल एक मंडप बनाने के लिए बीएमसी द्वारा अनुमति लेता है। उसके बाद ही मंडप निर्माण की अनुमति दी जाती है। कई मंडप बनाने के लिए सड़कों पर गड्ढे खोदते हैं, साथ ही कहीं कहीं फुटपाथ पर लगे पेवर ब्लॉक को हटाकर वहां गड्ढे खोदकर मंडप के खंभे लगा दिए जाते हैं। गणेश उत्सव के बाद इन सभी चीजों की नगर निगम द्वारा समीक्षा की जाती है। उसके बाद विभिन्न हलकों ने सड़कों और फुटपाथों को नष्ट कर दिया है, उन सर्कलों पर जुर्माना लगाया जाता है। गड्ढों को समय पर नहीं भरने की वजह से नगर निगम ने बोर्ड पर जुर्माना लगाया है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल मुंबई में। सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।